और भाई ये है अमाल्फी बीच, द वर्ल्ड फेमस। ये है सबसे फेमस साइट अमाल्फी की। घोरो ने हमें एक और चीज़ सिखा दी है भाई, ऋतिक रोशन ने यहीं घुंघरू तोड़े थे। तो जय हिंद, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम भाई फिर से। और हम इस वक्त हैं इटली के अमाल्फी कोस्ट में, और हम पहले अटरानी से आए थे, और अटरानी सामने ही है। लास्ट वीडियो में आपने अटरानी देखा होगा, और अटरानी से हम इस टनल से बाहर आए पैदल ही। पीछे बस ज़रा सी टनल क्रॉस करनी थी, और ये एक रास्ता जाता है जो जाता है अमाल्फी को, और दिख जाएगा आपको एंट्री वे पेडिस्ट्रियन। हमने पूछ लिया था कि अमाल्फी को जा रहा हूँ, उन्होंने कहा हाँ। तो भाई जैसे ही वो क्रॉस करेंगे आप टनल, राइट में ये रास्ता है जो जाता है अमाल्फी टाउन के लिए। Pasándolo contigo en la playa, devorarte como el sol de la mañana, viajando todo el día sin drama, solo tú y yo, un día bonito. Hello, भाई स्वागत है आपका अमाल्फी टाउन में, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाउन इन द वर्ल्ड एंड इटली। और आप भी जब आओगे तो ज़रूर अमाल्फी को घूमना चाहोगे। तो देखते हैं भाई ट्रैवलिंग मंत्रा की नज़रों से अमाल्फी को। और टनल से बाहर निकलते ही ये साइन बोर्ड आपको दिख जाएगा, इधर है बीच एरिया सारा और इधर है टाउन। तो भाई पहले टाउन में चलें, कहाँ चलें मन्नी? बीच। बीच? ये गोवा का बीच नहीं है, पहले चेक तो कर ले। चलो पहले भाई चेक कर लेते हैं बीच को, तो यहाँ से गोवा ही चलते हैं, छोड़ इटली चलें। भाई ये तो फुल भीड़ भड़क का है। और भाई ये है अमाल्फी बीच, द वर्ल्ड फेमस एरिया। और भाई बसों में हम चढ़ चढ़ के बोर हो गए हैं। हमने फेरी की टिकट लिया यहाँ से पोसितानो जाने के लिए 15:55, यानी 3:55 दोपहर की। अभी बजे हैं 2:30, हम यहाँ पर करने वाले लंच अमाल्फी में, थोड़ा सा घूमेंगे और 15:55 पे निकलने की कोशिश करेंगे पोसितानो, जो यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल टाउन कहा जाता है। और फेयर जो है हमें पड़ा है वन वे 10 यूरो और मन्नी का है 8 यूरो। तो भाई हम बैठे हैं अब अमाल्फी कोस्ट एक रेस्टोरेंट में और लंच करने लगे हैं। लास्ट दिनों ये रेस्टोरेंट का नाम, तो ये रेस्टोरेंट है, एक वेटर है। इटालियन लोग भी अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, और हम लंच करते हैं। मन्नी क्या खाएगा? फ्रेंच फ्राइज और बर्गर। घर पिज्जा खाते हो तुम? इटली में आके फ्रेंच फ्राइज और बर्गर खाते हो? वाह भाई, बर्गर यूएस में खाइयो चल के। भाई ये फूड मेन्यू इनका, बर्गर है 15 यूरो और ये पेनिनी 6.5 यूरो। मतलब मैं तो 100 से ही मान के चल रहा हूँ, 15 का मतलब 1500 ही माना है। और पेनिनी ये सब 12 यूरो, सोस 5 यूरो, पिज़्ज़ा थोड़ा सा सस्ता है 6.5, 7.5, 12, 10, 11। ये बाकी भाई सारा मेन्यू आप लोगों के लिए, थोड़े रेट का अंदाज़ा हो जाएगा क्या रेट रहते हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट्स के। और ये एक पानी की बोतल है जो कि है 4 यूरो 400 रुपये। और हमारे भाई का तो बर्गर आया पहले, फ्राइज और बर्गर, और हमारे भाई का भी आ गया पास्ता, बर्गर पास्ता। और भाई थर्ड थिंग है पिज़्ज़ा मार्गरीटा, इटली में आप आए तो पिज़्ज़ा तो मस्त है ही ना। तो ये हमारा फूड है भाई, लंच बर्गर पास्ता पिज़्ज़ा, इन्जॉय भाई। यहाँ पे स्पाइसी मंगा लिया था, तो स्पाइसी का मतलब बढ़िया वाला स्पाइसी होता है, कभी मंगाए तो मुंह जलाएगा। कैसा मन्नी? फूड हो गया भाई, और बिल आया 41.5 यूरो, मतलब के कोई 3800-3900 भारतीय रुपए। और जब आप ऐसी किसी टूरिस्टिक प्लेस में हो और खाना खाना हो तो इतने पैसे लगेंगे ही भाई, तो अपना बजट उस हिसाब से बना के आए प्लीज़।
भाई ये एक रास्ता है अंदर जा रहे हैं जहाँ से बहुत सारे लोग, यहीं से हम भी चलते हैं और घूमते हैं अमालफी का। भाई ये है सबसे फेमस साइट अमालफी की, जो आपने हमेशा देखी होगी अमालफी, जब भी आप गूगल करेंगे तो ये बसिल का चर्च जो भी है वो आपको दिखेगी। और पहले ना मैं यहाँ पर अपार्टमेंट ले रहा था, शायद इनमें से कोई अपार्टमेंट था क्योंकि वो बसिल का दिख रही थी उससे बिल्कुल ये क्लियर, बट यार वो ऑलरेडी बुक था, 3 महीने पहले भी वो फुल था बुकिंग में, लेकिन ले नहीं पाए। खैर चलो, जहाँ रह रहे हैं वो भी अच्छी जगह है। और ये है अमालफी टाउन आपके लिए। और ये चर्च टाइमिंग है भाई 7:30 से 10, 5 से 7:30 प्रेयर के लिए ओपन है, जो भी टाइमिंग है, मतलब यहाँ पे 7:30 से 7:30 बजे सब बंद हो जाता है। बड़ी कैथेड्रल है और 4 यूरो टिकट है। चलो ले लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। सारी दुनिया में शांति रहे, अमन रहे, सारी दुनिया खुश रहे। यह है भाई अमालफी टाउन। सिर्फ भीड़ भाड़ ही दिख रही है मुझे, तो और कुछ दिख नहीं रहा यहाँ। ये सुवेनियर शॉप्स हैं सारी और भीड़ है। भाई अमालफी का मज़ा लेना हो ना तो किसी ना किसी ऐसी तंग सी गलियों में घुसो, कुछ ना कुछ ऐसी गलियों में घुस के देखते रहो, जहाँ ये भीड़ भाड़ जा रही है वहाँ जाके कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा नहीं।
ये होटल है, कोई ये भी होटल है। लो भाई, ये भी शायद एंड हो गया अमालफी टाउन का। इसके आगे भी पब्लिक नहीं जा रही है, खाली हो गया। और हम भी जा रहे हैं वापस पोसितानो के लिए। हमें अमालफी से लेनी थी फेरी और वो निकल चुकी है, लेकिन हम इस टिकट से नेक्स्ट फेरी पे ट्रैवल कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। और मन नहीं वेट कर रहा था मेरा, क्या कह रहा था? वेट नहीं कर रहा था, कह रहा टिकट रख दो पापा की, छोड़ दो, तब उन्हें पता लगेगा। और मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा अमालफी अंदर घूम रहा था, ये बाहर से ही खाना खा के निकल गए, कहते अंदर जाना ही नहीं हमें। लेकिन हम तो देख लें यार, आप और हमने देखा ना अमालफी अंदर से। तो भाई ये एक फेमस जगह है, और फिर पता नहीं कभी आना होगा नहीं आना होगा, कब आएंगे। और अब हम जा रहे हैं पोसितानो की तरफ, जो कि सबसे ब्यूटीफुल टाउन है अमालफी कोस्ट का, कहते हैं ऐसा। भाई ये आ गई हमारी फेरी। यहाँ पे ना तीन चार काउंटर थे, और सबसे बड़ी फेरियाँ जो हैं वो ट्रैवल मार की दिख रही हैं भाई ये, और सबसे ज़्यादा भी सी हैं, बाकी तो छोटी छोटी दिख रही हैं, सैन एंड्रियल। भाई घोरों ने हमें एक और चीज़ सिखा दी है कि कोई वेट मत करो, थोड़े से मतलब ही हो जाओ तब आपको अच्छी सीटें मिलेंगी। तो हमने अपने लिए ऊपर वाली सीटें ले ली हैं। और भाई ये है अमालफी, कहाँ रह गया था? एक्सप्लोर करने कुछ। क्या एक्सप्लोर कर रहा था तू? ट्रैवलिंग मंत्रा का लड़का है क्या जो एक्सप्लोर कर रहा था? पहली हमारी चल पड़ी है, और बाय बाय टू अमालफी। अमालफी से पोसितानो की दूरी है लगभग 19 किलोमीटर, और अगर बाय बस जाते तो वो पहुँचाती 1 घंटे में, और अभी हम फेरी पे जा रहे हैं तो ये पहुँचा देगी लगभग 25 मिनट। और अभी हुए हैं 4:25। एक और टिप देते हैं आपको, जब भी आप अमालफी आ रहे हैं बस में हैं तो आपने लेफ्ट साइड में बैठना है, अगर अमालफी से जाने पोसितानो की तरफ, और अगर फेरी में है तो राइट में बैठना। मतलब आप ये देखना कि भाई देखो उस तरफ आपको व्यू दिखेगा फेरी से, तो आपको ना उस साइड बैठना है जिस साइड आपको व्यू दिखेगा। फेरी से जाओगे तो इधर की तरफ राइट साइड में आपको सारा व्यू दिखना है, और बस से जाओगे तो जा रहे हो तो लेफ्ट में सारा व्यू दिखेगा, राइट में आपके सिर्फ दीवार आएगी। और जब हम आ रहे होंगे तो फिर हमें राइट साइड में बस में बैठना है, ताकि व्यू उस तरफ का दिखे जो सारा ये कोस्टल एरिया है। तो आप ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जो व्यू देखने आएंगे, क्योंकि व्यू ही है यहाँ पर और कुछ है नहीं, आप अमालफी आएंगे व्यू देखने और वो व्यू मिस हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, दिख तो उधर से भी जाएगा। सारे लोगों ने ट्राई किया था इधर बैठने के लिए, लेकिन हमने थोड़ा सा आपके घोड़ों वाला स्टाइल अपनाया, मतलब ही पना किसी को आंटी अंकल निगाह, और खुद पहले आगे सीट ले ली, तो हमें ये सीट मिल गई जहाँ से हमें और आपको इस तरह का व्यू दिखेगा। तो ये है पोसितानो, माना जाता है कि अमालफी कोस्ट का ये सबसे खूबसूरत टाउन है। भाई भीड़ देखो टूरिस्ट की, और ये पोसितानो बीच वो है जहाँ पर वॉर मूवी का एक गाना भी शूट हुआ था, घुंघरू टूट गए, भाई ऋतिक रोशन ने यहीं घुंघरू तोड़े थे, वो शायद जगह पे जहाँ भी बना होगा, पर है वो इसी जगह की शूटिंग। भाई ये क्या हुआ, ये तो ख़त्म हो गया भाई, मुझे वापस छोटा कर दो, मैं पहले आर्मी में जाऊंगा, मेरे दादाजी भी पुलिस में थे, उन्होंने सेवा की। राम राम भाई। तो भाई हम पहुंच गए मिनोरी में,